good morning students today we are going to start with the chapter number two that is a snake charmer's story students you must have seen snake charmers in many movies and pictures and you must have wondered how these people can control the snake how these people make the snakes to dance

स्नेक जानवर क्या होते हैं वो एक पर्सन होता है जो कि लोगों को एंटरटेन करता है बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ स्नेक। उसके पास इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बीन कहा जाता है हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने देखा हो आजकल ये आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों इसका रीज़न आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल को एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूज़ नहीं कर सकता लेकिन पहले आपने देखा होगा कि ये लोग आते थे बच्चों को एंटरटेन करते थे और यही इनका लाइवलीहुड का एक सोर्स था तो इस चैप्टर में हमें एक स्नेक जानवर की स्टोरी बताई गई है और इस चैप्टर में हमें स्नेक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर टू अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी आई एम आर्या मैं आर्या नाथ हूँ यहाँ पर आर्या नाथ अपनी स्टोरी बता रहे हैं आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मुझे यकीन है कि आप में से कोई नहीं कर सकता डू यू नो वॉट आप जानते हैं क्या आई कैन प्ले द बीन मैं बीन बजा सकता हूँ चिल्ड्रन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है बीन एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से जिस तरह यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि आपको ब्लो करना होता है उसके बाद फिर उसमें से एक मेलोडियस साउंड निकलता है ओके यू मस्ट बी सरप्राइज यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स ये कह रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ और ये आर्ट मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है वी पीपल आर नोन एज कार्बेलियास हम लोगों को क्या कहा जाता है हम लोगों को कार्बेलियास कहा जाता है माई ग्रैंड फादर रौशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था रौशन नाथ जी और वो हम लोगों के बीच बहुत ही फेमस थे He could easily catch many poisonous snakes. वो जो हैं वो बहुत ही आसानी से पॉइजनस स्नैक जो हैं जहरीले जो सांप होते हैं वो उनको पकड़ लेते थे ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज़ अबाउट हिज पास्ट कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हमें सुनाई आओ उनके खुद के वर्ड्स में ही उनकी स्टोरी सुने नाउ नाग गुम डिज़ाइंस ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली एम्ब्रॉयडरी एंड एज़ वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्रा गुजरात एंड साउथ इंडिया अब ये नाग गुम्फन क्या होता है ये एक डिज़ाइन होती है ऑफ़ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली देखिए इस तरह का एक डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो कि रंगोली में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्नेक जैसा लगता है देखिए यहाँ पे सांप जैसा बना हुआ है और ये सांप की बॉडी बनी हुई है इसीलिए इसका नाम नागगुम्फन पड़ा होगा ये रंगोली में यूज़ होता है एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है ये साउथ इंडिया में गुजरात में सौराष्ट्र में इन सब कामों के लिए ये यूज़ होता है नागुम्फन जो है ये एक सिंपल सा डिज़ाइन ही है जो कि रंगोली एम्ब्रॉयडरी और वॉल डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है नाउ दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड एंड ग्रेट ग्रैंड वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नै चार्मर्स मेरे ग्रैंड फादर दादाजी और उनके ग्रैंड फादर मींस पड़दादा जो थे वो कहते हैं कि हम पहले से ही सपेरा रहे हैं स्नैक चार्मर्स रहे हैं स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ वी यूज टू मूव फ्रॉम वलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नैक्स इन बम्बो बास्केट्स तो कहते हैं कि स्नेक जो हैं हमेशा से ही हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं हम गांव-गांव में घूमते रहते थे अपनी बम्बो बास्केट में स्नैक को लेके तो स्नेक को किस में रखा जाता है बम्बो बास्केट में रखा जाता है ताकि वो ब्रीथिंग भी ले सके और उनको अंदर हवा भी आती रहे और सांस भी लेते रहें और वो इस तरह बंद भी रहें और वो लोगों को नुकसान भी ना पहुँचाएँ वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड गैदर अराउंड वी वैन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्राम आवर बास्केट्स वो कहते हैं हम जहाँ भी गाँव में रुकते थे तो हमारे चारों तरफ जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी फिर हम बास्केट से स्नेक को बाहर निकालते थे इवन आफ्टर द शो फिर वो एक शो दिखाते थे बीन बजाते थे फिर स्नेक उस पर डांस करता था और लोग एंटरटेन होते थे पीपल वुड स्टे ऑन यहाँ तक कि शो होने के बाद भी पीपल रुके रहते थे दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन ऑफ दैम वो लोग जानते थे कि हमारे टिन बॉक्स में उनके लिए बहुत सारी मेडिसिनस होती थी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ स्नै से लोगों को एंटरटेन करते थे और पैसा कमाते थे ये लोगों के लिए मेडिसिन भी बनाते थे वी मेड दीज मेडिसन्स फ्राम प्लान्ट फ्राम द फॉरेस्ट आई हैड लर्न ऑल दीज फ्राम माई ग्रैंड फादर अब यहाँ पर आर्यनाथ के ग्रैंड फादर कहते हैं कि मैंने ये सब अपने ग्रैंड फादर से सीखा है मीन्स की ये जो बात है कई पीढ़ियों से चलती आ रही है आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ़ यहाँ पर कह रहे हैं कि गांव में डॉक्टर हॉस्पिटल्स बहुत दूर थे तो उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था आई फेल्ट नाइस कि मैं लोगों की हेल्प कर पाता था अपनी मेडिसिन से इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रीन्स इन दिस वे वी कूड मैनेज अवर लाइफ इनके बदले में लोग इनको कुछ पैसे या फिर कुछ अनाज देते थे और इस तरह से ये अपनी लाइफ को मैनेज करते थे नाउ समाइम्स आई वॉस्ट कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर सम वन हैड बिन बिटन बाय अ स्नैक। कई बार क्या होता था मुझे बुलाया जाता था वहाँ पे जहाँ पे किसी को सांप ने काट लिया हो फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन सांप के काटने का जो निशान होता था वो जल्दी ही पहचान लेते थे क्योंकि उनको इतनी स्किल्स थी सांप के साथ रहते रहते वो जान गए थे और वो बाइट को देख के ही वो पहचान लेते थे कि उनको कौन से सांप ने काटा है आई वुड दैन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प अलग अलग मेडिसिन होती थी अलग अलग सांप के काटने पे, उसी के अकॉर्डिंग वो उनको दवाइयाँ भी देते थे लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब किसी को सांप काटे तो वो उनको टाइम पे वो मिल जाए हो सकता है कई बार वो बाहर गए हों कई बार वो शो करने गए हों इस तरह से एज यू नो सम स्नै बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस कुछ स्नैक तो इतने पॉइजनस होते हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है ज़्यादातर स्नैक्स पॉइजनस नहीं होते हैं समटाइम्स वैन some farmers food come running for help shouting snake snake कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स खेतों में काम करते हैं तो वहाँ पर स्नेक्स निकलते हैं क्योंकि खेतों में फसल होती है वहाँ पर चूहे भी हो जाते हैं और फिर उनको खाने के लिए स्नेक भी आते हैं तो कई बार क्या होता है फार्मर्स जो है, वो हैं वो चिल्लाते हैं स्नैक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. मैं तो उस स्नैक को कैच कर लेता था सांप पकड़ना तो मैं अपने बचपन से ही कर रहा हूँ तो इनके लिए तो बहुत ही आसान है ओ oh, those वर द गुड डेज अरे वो बहुत ही अच्छे दिन थे We could हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज हम कई लोगों की बहुत तरीकों से हेल्प भी कर पाते थे हम उनको एंटरटेन भी करते थे आज की तरह नहीं था आज तो एंटरटेन के लिए टीवी या फिर फ़ोन सी ही हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि वो टाइम भी बहुत ही अच्छा था हम एंटरटेन करते थे वी अजसो एंटरटेन दैम इट वॉज नॉट लाइक टुडे when everyone watches tv for entertainment when i grew older my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि जो स्नेक है उनके जो फैंग्स हैं उनको कैसे निकालना है फैंग्स क्या होता है जो स्नेक होता है जो उनके जो पॉइजनस टीथ होते हैं आगे की जो उनके दो टीथ होते हैं उनको फैंक्स कहते हैं स्नेक के मुंह की जो पॉइजनस ट्यूब है उनको कैसे बंद करना है ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया था ही अल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ नाउ थिंक एंड टेल Have you ever seen anyone playing a बीन Where? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते देखा है यस और नो वेयर अगर देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है Have you ever seen a snake? Where? क्या आपने स्नेक को देखा है और देखा है तो फिर कहाँ देखा है देन Were you scared by it? Why? क्या आप स्नेक को देखोगे तो क्या आप उससे डरोगे और डरोगे तो क्यों Obviously आप स्नेक को देखोगे तो आप डरोगे यस yes. क्यों डरोगे तो ऐसा लगता है स्नेक इट माइट बी पॉइजनस डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस क्या आपको लगता है कि सारे स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं नो no, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं इन द चैप्टर वन यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी कैन द स्नेक हीर द बीन और डज इट डांस वैन द बीन मूव्स वॉट डू यू थिंक स्नेक के पास ऐसे कान नहीं होते जो आपको दिख जाए क्या स्नेक को बीन की जो साउंड है वो सुनाई देती है या फिर बीन घूमती है तो उस पे वो डांस करता है वॉट डू यू थिंक स्नेक के कान नहीं होते नहीं ना ही उसको बीन सुनाई देती है ओके okay? लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नेक अगर छोटी सी भी कहीं भी मूवमेंट हो रही है वाइब्रेशन को भी वो फील कर लेता है तो वो बीन की जो वाइब्रेशन है वो उसको फील करता है सो दे मूव बायर्स वाइब्रेशन नाउ वॉट कैन वी डू हम क्या कर सकते हैं आर्यनाथ योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट अब ग्रैंड फादर बताते हैं कि तुम्हारे फादर जो हैं आर्यनाथ वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे जब से वो छोटे थे तब से ही वो बीन बजाते थे मैंने इनको बीन बजाना कभी सिखाया भी नहीं लेकिन उन्होंने खुद से ही सीख लिया देखते ही देखते दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो गया है नाव द गवर्मेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम गोरमेंट ने एक लॉ बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ेगा भी नहीं और उसको रखेगा भी नहीं people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग तो एनिमल्स को मार देते हैं और कुछ उनकी स्किन को बेचते हैं और बहुत ही हाई प्राइस पे वो बेचते हैं So they made a law against this. इसके लिए ही ये कानून बना दिया है Now with this law हाओ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड लेकिन इस कानून से क्या हुआ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड हम अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करें वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड यर स्किन हमने तो कभी स्नेक को मारा भी नहीं है और ना ही हमने उसकी स्किन को बेचा है पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस लोग कहते हैं कि तुम लोग स्नैक्स को बैड कंडीशंस में रखते हो इफ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स वो कहते हैं कि हम चाहते तो हम भी स्नेक्स को मार सकते थे कहीं भी स्नेक्स को पकड़ने के लिए बुलाया तो हम पकड़ के उसे बेच कर अमीर हो जाते लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया नहीं तो हम अभी तक सपेरा थोड़ी होते हैं बट वी वुड नेवर डू दैट स्नेक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर स्नेक जो है वो हमारे लिए एक ट्रेजर है हमारा धन है जो कि हमें हेल्प करता है हमारी लाइवलीहुड को अर्न करने में ये स्नेक जो हैं हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू अवर डॉटर्स वैन दे गेट मैरिड जब सपेरों के यहाँ शादी होती है तब वो अपनी डॉटर को स्नेक गिफ्ट में देते हैं इन आवर कालबेलिया डांस वी अल्सो हैव मोमेंट्स सिमिलर हमारे कालबिलिया डांस में स्नेक जैसे डांस करते हैं ऐसे ही कालबिलिया डांस में भी मूवमेंट होती है आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर यूर सेल्फ आर्य तुम्हें अब एक अलग ही जिंदगी बनानी पड़ेगी यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन अब सपेरे का काम तो बंद हो गया है लेकिन तुम्हें तुम्हारे फादर से जो गिफ्ट मिला है तुम बीन बजा सकते हो यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल अब तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी बना लो और लोगों को एंटरटेन करो अब स्टूडेंट्स इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से होती है बीन पार्टी नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन बीन पार्टी बीन टुम्बा खंजरी एंड डोल एक्सेप्ट डोल ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार लौकी बीन टुम्बा खंजरी ये तीनों ही सूखी लौकी को यूज़ करके ये बनाए जाते हैं सिर्फ डोल जो है वो अलग तरह से बनता है बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्निक्स यू हैव गॉड फ्राम योर एल्डर्स लेकिन आपको आपके जो बड़ों से जो स्नेक के बारे में नॉलेज मिली है उसे वेस्ट मत करो स्नेक अगर रख नहीं सकते लेकिन तुम जानते तो हो सो शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़ आप अपना नॉलेज जो है वो शेयर करो बच्चों के साथ जो कि शहरों और गांव में रहते हैं टेल दम दैट दे शुड नाट बी स्क्यड ऑफ स्नैक्स हेल्प दैम टू रेकग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स यहाँ पर आपको कालबलिया डांस की एक पिक दी हुई है आप बच्चों को कालबलिया डांस की पिक्स दिखाओ और उन्हें बताओ कि स्नैक्स जैसे मूव करता है वैसे ही इस डांस में मूवमेंट होती है आप बच्चों को सिखाना कि वो कैसे पॉइजनस स्नेक को रेकग्नाइज कर सकते हैं नाउ टेल दम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स दे ईट द रेड्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रेड्स वुड ईट द क्रॉप्स आप बताना कि स्नेक्स डेंजरस नहीं होते हैं। वो फार्मर के फ्रेंड्स भी होते हैं रेड्स और बाकी की जो चीज़ें फसल को नुकसान करती हैं उनको वो खा लेते हैं अगर वो रेट्स को नहीं खाएंगे तो वो क्रॉप्स को खा जाएंगे नाव यू टेल आवर स्टोरी अल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन स्टूडेंट्स फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू